Hello friends, welcome to my channel Studious Aura. Today we will learn about operant conditioning. As you all know that operant conditioning is a part of learning, so let's have a look on learning. So, learning is the act of acquiring new or modifying existing knowledge, behaviors, skills, values and may involve synthesizing different type of informations. So, basically learning kya hota hai? Learning हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज बिहेवियर स्किल वैल्यूज एट्सेट्रा को मॉडिफाई करने की जो प्रोसेस होती है उसे लर्निंग कहते हैं, या फिर हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग. नाउ कंडीशनिंग, व्हाट इज़ कंडीशनिंग? सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन और एनिमल आर ट्रेन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे व्हेन पर्टिकुलर थिंग हैपन. कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन या एनिमल को इस तरह से ट्रेन करते हैं, उनके बिहेवियर को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर थिंग होने पर पर्टिकुलर वे में बिहेव करें. सो दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग. नाउ ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस. एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस वो होता है जिसमें हम अपने बिहेवियर और जो स्टिमुलस मिल रहे हैं एनवायरमेंट से उन्हें एसोसिएट कर सकते हैं, थ्रू विच द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाय री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट. इसमें जो बिहेवियर होता है किसी भी ह्यूमन बींग का या एनिमल का, वो मॉडिफाई होता है दो चीज़ों से, या तो री इन्फोर्समेंट से या फिर पनिशमेंट से. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Then, for example, a child may learn to open a box to get the sweets. एक बच्चा है वो एक बॉक्स को ओपन करेगा, तो वो ये सोच रहा है कि मैं इस बॉक्स को क्यों ओपन करूँगा. तो वो इस बॉक्स को इसलिए ओपन कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर से स्वीट्स मिलेंगे. बट ही कैन लर्न टू अवॉइड टचिंग अ हॉट स्टोव. वही बच्चा एक हॉट स्टोव को टच नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज उसे पता है कि अगर मैं इसे टच करूँगा तो आई कैन बर्न. So, operant conditioning was given by B.F. Skinner. He was the father of operant conditioning. And Skinner believed that classical conditioning was too simplistic to be used to describe something as complex as human behavior. Skinner ko ye lagta tha ki classical conditioning bahut hi simple cheez hai aur wo human behavior jaise complex thing ko describe nahi kar sakti hai. So, in his opinion, better described human behavior as it examined cause and effects of intentional behavior. तो उन्हें लगा कि operant conditioning बहुत अच्छे से human behavior को examine कर सकती है, बहुत अच्छे से describe कर सकती है, क्योंकि ये examine करता है क्या कि human का जो intentional behavior है उसके causes और effects क्या हैं. Then operant conditioning is a method of learning that occurs through rewards and punishment for behavior. ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग का वो मेथड है जो कि रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट से सीखा जाता है. थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक एन एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस. इसमें जब भी कोई ह्यूमन कोई बिहेवियर करता है तो उसे पता होता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, वही सोचने के बाद वो बिहेव करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया था कि वो बच्चा जो है वो हॉट स्टोव को टच नहीं करेगा बिकॉज उसे पता है कि अगर मैं इसे टच करूँगा तो इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कि मैं बर्न हो सकता हूँ. सो स्किनर इंट्रोड्यूस द टर्म्स री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नाउ ऑपरेंट कंडीशनिंग इट इज़ ऑफ टू टाइप, री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट. री इन्फोर्समेंट बिहेवियर को इनक्रीज करता है एंड पनिशमेंट डिक्रीजेज द बिहेवियर. री इन्फोर्समेंट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव क्या करेगा? एड एपिटेटिव स्टिमुलस फॉलोइंग करेक्ट बिहेवियर. ओके, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट जो है वो करेक्ट बिहेवियर को बढ़ाता है, नेगेटिव वाला जो है वो बैड बिहेवियर्स को कम करता है. ऐसे ही पनिशमेंट दो टाइप की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो लेट्स रीड इट अबाउट. सो कंसेप्ट्स यहाँ पर हैं, री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर कोर टूल्स थ्रू विच ऑपरेंट बिहेवियर इज मॉडिफाइड. सो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर दैट दे फॉलो. एंड पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर दैट दे फॉलो. तो री इन्फोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्या करते हैं, जो बिहेवियर ह्यूमन कर रहा है उसको
इंक्रीज़ करवाते हैं, बट जो पनिशमेंट है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उस बिहेवियर को जो उस टाइम हो रहा है उसे डिक्रीज़ कराते हैं, सो दैट जो गुड बिहेवियर्स हैं वो हो सकें. नाउ पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, दिस अकर्स व्हेन अ बिहेवियर या रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डिंग और द बिहेवियर इज फॉलोड बाय अनदर स्टिमुलस दैट इज रिवॉर्डिंग, इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट बिहेवियर. पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट उस बिहेवियर के लिए होता है जो बिहेवियर रिवॉर्डिंग है, मतलब अच्छा बिहेव कर रहा है अगर एक इंसान, तो हम चाहेंगे कि वो वैसे ही अच्छे से बिहेव करता रहे, तो उसमें हम उसे पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देंगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि एक 10th क्लास का बच्चा है, अगर वो 10th क्लास में 90% ला रहा है और मतलब हर टेस्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे कि उसके हायर स्कोर्स आने पर उसे कोई ना कोई गिफ्ट देंगे या कोई भी रिवॉर्ड देंगे, जिसकी वजह से वो बच्चा क्या सोचेगा कि इस कि अब मुझे और अच्छे नंबर लाने चाहिए या मुझे अपना बिहेवियर ऐसा ही रखना चाहिए बिकॉज इट्स अ गुड बिहेवियर, इसके लिए मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. ओके, गेट इट? नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट. दिस अकर्स व्हेन अ बिहेवियर और रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ एन एवर्सिव स्टिमुलस, देयर बाय इंक्रीजिंग द ओरिजिनल बिहेवियर फ्रिक्वेंसी. ये तब होता है जब हमें उस टाइम, मतलब एट द टाइम जो बिहेवियर है एक पर्सन का, हमें उसमें से एवर्सिव स्टिमुलस को हटाना है. एवर्सिव मीन्स हमें उसमें से अनफेवरेबल स्टिमुलस को हटाना है, तो उसे रिमूव करने के लिए हम नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि छोटे बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी ने खाना बनाया बट वो वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उनसे कहेंगे कि अगर तुम वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो तुम्हें आज डेजर्ट नहीं मिलेगा, और बच्चों को तो डेजर्ट बहुत पसंद होता है. तो वो क्या करेंगे कि अब इसमें नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट ये था कि वो डेजर्ट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस लिए रिमूव कर रहे हैं, ताकि बच्चा वेजिटेबल्स खाने लगे. तो बच्चा सोचेगा कि मुझे डेजर्ट्स तभी मिलेंगे तब मैं वेजिटेबल्स खाऊंगा, तो वो वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर देगा, विच इज़ हेल्दी फॉर इट. ओके, सो नाउ पॉजिटिव पनिशमेंट, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज पनिशमेंट बाय कंटिंगेंट स्टिमुलेशन अकर्स वन अ बिहेवियर रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय एन अवर्जिव स्टिमुलस. पॉजिटिव पनिशमेंट जो होता है वो इसलिए होता है जो बिहेवियर चल रहा है उसमें जो अनफेवरेबल स्टिमुलस हैं उन्हें करेक्ट करने के लिए. तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि बताया जाता है एक इंसान को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है छोटा, अगर वो उसके पेरेंट्स बार बार मना करते हैं कि हॉट आयरन है या हॉट ऑब्जेक्ट है, इसे टच मत करना अदरवाइज़ तुम्हें हर्ट होगा, वो बच्चा नहीं मानता, तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि कोई बात नहीं एक बार छोटी सी पनिशमेंट दे के देखते हैं. वो थोड़ा सा स्लाइट हॉट ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चे के सामने, उसे मना नहीं करेंगे, बच्चा जाके उस ऑब्जेक्ट को टच करेगा, उसे हर्ट होगा, उसे थोड़ा सा बर्न फील होगा उसके फिंगर्स पे, तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या सोचेगा, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने से पहले वो सोचेगा कि मुझे बर्न फील हुआ था, इससे कोई नुकसान हो सकता है. तो पॉजिटिव पनिशमेंट इसीलिए होता है ताकि वो हमारे बिहेवियर को करेक्ट कर सके. देन नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट ऑल्सो कॉल्ड पेनल्टी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पनिशमेंट बाय कंटिंगेंट विड्रॉल अकर्स व्हेन अ बिहेवियर और रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ स्टिमुलस. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कोई नेगेटिव स्टिमुलस है जिसकी वजह से बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम उस स्टिमुलस को ही हटा देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर तरह के होते हैं, कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी होते हैं जो दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, परेशान करते हैं. सो वो बहुत दिनों से कुछ बच्चों को परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं. एक दिन हेडमास्टर को पता चल गया, उन्होंने क्या किया, उसकी पनिशमेंट उसे देने के लिए उन्होंने उसे उस बच्चे को स्कूल से सस्पेंड कर दिया. अब स्कूल से सस्पेंड कर होने के बाद, मतलब इसमें क्या हुआ कि स्टिमुलस कौन था, वो बच्चा जो बुली कर रहा था, तो उन्होंने स्टिमुलस को ही रिमूव कर दिया वहाँ से, सो दैट अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. सो दिस इज़ नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें हमारा बिहेवियर मॉडिफाई नहीं होता बट हम स्टिमुलस को ही हटा देते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड देर इज़ अ चार्ट फॉर रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव.
सो यू कैन रीड इट एंड दिस इज़ द एंड ऑफ स्लाइड. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दें सो दैट मोर एंड मोर वीडियोज़ आपके पास